भाई और बहनों, कांग्रेस को सिर्फ धोखा देना और ताला लगाना ही आता है। कहां तो हिमाचल में लाखों नौकरियां देने की घोषणा की थी और कहां सर्विस कमीशन में भी उन्होंने ताला लगा दिया। और उन्होंने सिर्फ सर्विस कमीशन पर ताला नहीं लगाया, उन्होंने मेरे हिमाचल प्रदेश के बेटे बेटी नौजवानों को उनके भविष्य पर ताला लगा दिया है। मेरे मित्र जयराम जी ने उन सरकार के समय में सैकड़ों संस्थान खोले थे, कांग्रेस ने उनमें ताला लगा दिया। मंडी में बड़ा एयरपोर्ट बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, कांग्रेस ने उस पर ताला लगा दिया। क्या मंडी में हवाई अड्डा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? टूरिज्म के लिए जरूरी है कि नहीं है? उस पर भी ताला लगा दिया। यहां बहनें 1500 रुपये का इंतजार कर रही है, क्या 1500 रुपया मिला? क्या सवाल 1500 का नहीं है, सवाल आपने हमारे साथ धोखा किया है। आज हिमाचल का एक एक नागरिक हार्ट फील कर रहा है, उसको लगता है इतना बड़ा धोखा, चुनाव के समय ऐसी ऐसी बातें करके वोट ले गए और अब आज ऊपर करके बैठ गए। कुछ बातें नहीं होती, समझ सकते हैं, लेकिन देश धोखेबाजों को कभी माफ नहीं करता है। और मैं जानता हूं हिमाचल को, हिमाचल के जीवन में कर्मचारी ही एक बहुत बड़ी जिंदगी है, पूरा परिवार उसके भरोसे चलता है, आधे से ज्यादा हिमाचल की जिंदगी उससे जुड़ी हुई है। उस कर्मचारी के साथ कितना बड़ा धोखा किया, वो महंगाई भत्ते का आज भी इंतजार कर रहा है। ये कैसी सरकार चला रहे हो तुम? आपदा के बाद केंद्र ने सैकड़ों करोड़ रुपए भेजे, यहां उसकी भी बंदर बांट कर दी गई। और मेरे शब्द लिख के रखिए, ये सरकार का कोई भविष्य नहीं है, इसका जाना तय है। और मैं पहला काम करूंगा, मैंने आपदा के समय जो पैसे भेजे हैं उन पैसों में किसके कहां कहां बंदर बांट हुई, किस किसने उसमें से चोरी की है, मैं सारा खोज करके निकालूंगा और मंडी के लोगों के हाथ में दूंगा जी। डेढ़ साल में ही हिमाचल इस धोखाबाजी से तंग आ चुका है। भाइयों और बहनों, मोदी हिमाचल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे याद है कि जब हम पहले चंडीगढ़ से आते थे तो स्वारगांठ का सफर मार देता था, मंडी पहुंचते पहुंचते कमर टूट जाती थी। अब किरतपुर मनाली फोर लेन और अटल टनल ने चंडीगढ़ से लेकर लाहौल तक सफर सुहाना कर दिया है। अब लाहौल से भी फल सब्जी तेजी से मंडिया तक पहुंच रहे हैं और पर्यटन भी फल फूल रहा है।